हाय गाइस, कैसे हो आप सब। थंबनेल देख के आप समझ ही गए होंगे कि आज मैं फिर से एक और फूड चैलेंज करने वाली हूँ। और ये जो फूड चैलेंज होगा ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि मैं करने वाली हूँ 24 आवर्स पानीपुरी चैलेंज। तो गाइज़, आपको क्या लगता है मैं ये चैलेंज कर पाऊँगी या नहीं? मुझे तो लगता है कि मैं कर लूँगी, क्योंकि पानीपुरी मेरी फेवरेट है। मतलब मुझे आप जितनी पानीपुरी दे दोगे ना, मैं सारी पानीपुरी खा सकती हूँ। और इस चैलेंज का जो रूल है वो ये होगा कि मुझे जब भी भूख लगेगी, दिन भर में मुझे जब भी भूख लगेगी, मैं सिर्फ़ और सिर्फ पानीपुरी ही खाऊंगी। और पानीपुरी के अलावा मैं कुछ भी नहीं खा सकती हूँ। भले मैं, लेकिन हाँ, पानी पी सकती हूँ मैं, लेकिन उसके अलावा हम एक्स्ट्रा खाने की कोई आइटम नहीं खाएँगे। ओके, तो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। और गाइज़, अगर आपको ये वीडियो मेरा पसंद आता है तो लाइक करना, शेयर करना अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। गाइज़, अब टाइम है मेरे ब्रेकफास्ट का। और यहाँ पे जो पानी पूरी की आलू और उसका जो पानी है वो मैंने खुद से ही बनाया है। और इसी में थोड़ा सा टाइम लग गया मुझे। अभी बज रहे हैं सुबह के 10। और मैंने पहले से ही पानी पूरी का जो पैकेट है वो कल शाम को ही मैं ले आई थी। और यहाँ है मेरा ब्रेकफास्ट, ये देखो पानी। सो अब स्टार्ट करते हैं गाइज़। बहुत टेस्टी है। गाइज़, मैं ब्रेकफास्ट में तो ऐसे जैसे सब लोग खाते हैं आलू पराठे या फिर रोटी भुजिया या फिर पूरी सब्ज़ी, कुछ भी वो सब खाती हूँ। मैंने आज तक ट्राई नहीं किया है कि ब्रेकफास्ट में मैं कभी गोलगप्पे खाऊंगी, और वो आज मैं कर रही हूँ, पर मज़ा आ रहा है। सो अब देखो ये एक और। मुझे खट्टे गोलगप्पे ज़्यादा पसंद है, इसीलिए मैंने ये जो पानी है वो एकदम खट्टा बनाया है। और पता नहीं, मुझे तो इमली का पानी ज़्यादा पसंद है। बहुत लोगों को वो हरे वाला जो पुदीना का पानी होता है वो पसंद आता है, पर जो बात इमली के पानी में है ना वो कहीं नहीं है। और अब तक मैंने 8 गोलगप्पे खा चुकी हूँ, अब ये 9। अब मेरा पेट बिल्कुल फुल हो चुका है। अब मैं अभी तो नहीं खाऊंगी, लेकिन हाँ, क्योंकि सुबह में मेरी आदत है आलू पराठा वगैरह खाने की, जो मतलब हैवी ब्रेकफास्ट करने की आदत है मेरी। और ये 8-9 गोलगप्पे से मेरा कुछ भी नहीं होने वाला है। तो मुझे जब जब भूख लगेगी मैं सिर्फ और सिर्फ गोलगप्पे खाऊंगी। तो आप मुझे गोलगप्पे खाते हुए आज पता नहीं कितनी बार देखोगे, क्योंकि आप लोगों को शायद मुझे देख के लग नहीं रहा होगा कि मैं कितनी बड़ी भुक्खड़ हूँ, बहुत बड़ी भुक्खड़ हूँ। आपको आज पता चल जाएगा। सो अब मिलते हैं नेक्स्ट टाइम जब मैं गोलगप्पे खाऊंगी। हाय फ्रेंड्स, मुझे फिर से भूख लग गया है। और उतने गोलगप्पे से मैंने आपको बताई था कि मेरा कुछ नहीं होने वाला है। और फिर से 1.5 घंटे में मुझे भूख लग गया। अभी बज रहे हैं 11:30। और मैं, पेट में गुड़गुड़ हो रही है, बहुत ज़्यादा भूख लगी है मुझे। और घर पे सब लोग खा रहे हैं दाल चावल सब्ज़ी, इतना टेस्टी, और सैलेड भी। और मुझे क्या खाना है? गोलगप्पे। पर मेरी तो पार्टी है। तो मैं फिर से तैयार हो चुकी हूँ अपने नेक्स्ट मील के लिए। और ये रहा मेरा मील। और उस टाइम मैंने जो आलू तैयार किए थे वो आलू मेरा बचा हुआ था, तो मैंने फिर से अभी गोलगप्पे ले लिए हैं अपने लिए और मैं फिर से गोलगप्पे खाने वाली हूँ 11:30 बजे और मज़ा आएगा। तो देखो ओ बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो चुका है मेरा गोलगप्पा। गाइस मुझे सूखा भी बहुत पसंद है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अपने बनाए हुए गोलगप्पे खा के थोड़ी बोर हो रही हूँ। हो सकता है मैं शाम को बाहर भी जाऊँ गोलगप्पे खाने के लिए, क्योंकि बाहर के गोलगप्पों में जो बात है ना, क्या बताऊँ मैं। गाइस अभी मैंने 5 गोलगप्पे खाए और अब मैं ज़्यादा नहीं खा पाऊँगी। अब मुझे जब फिर दोबारा भूख लगी तो खाऊँगी अब मैं। बाय गाइस, अभी बज रहे हैं 5:26-27 कुछ, मीन्स अब 5:30 होने वाला है और मुझे फिर से भूख लगी है और मैं फिर से जा रही हूँ अब पानी पूरी खाने। ये गाइज़ अभी मैं बाहर जा रही हूँ गोलगप्पा खाने के लिए और क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा ही भूख लगी हुई थी और मुझे अब मन नहीं कर रहा था कि मैं बाहर मतलब घर का बना जो मैंने बनाया वो खाऊं, तो मैं अब बाहर जा रही हूँ फाइनली गोलगप्पा खाने के लिए। तो मैं आपको वहाँ पे मिलती हूँ। गाइज़ यहाँ पे मैं आ चुकी हूँ बाहर गोलगप्पे खाने के लिए। आप देख रहे हैं मैं कैसे गोलगप्पे खा रही हूँ। आज होली का 2nd डे है, तो मतलब गोलगप्पे वाले को ढूंढने में बहुत ही ज़्यादा टाइम लग गया, लेकिन हाँ एक बात तो है कि ये गोलगप्पे बहुत ही ज़्यादा टेस्टी हैं। मुझे बहुत मज़ा आया। गाइज़ बहुत मतलब वक्त लग गया मुझे गोलगप्पे वाले को ढूंढने में, क्योंकि आज होली का 2nd डे है और गोलगप्पा वाला कहीं भी मुझे मिल नहीं रहा था। और फिर भी मैं मतलब ढूंढते ढूंढते गई आगे, तो फिर मुझे मिला। और अभी मैंने वहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़ थी ना कि मैं शूट नहीं कर पाई हूँ ठीक से, फिर भी मैंने कुछ किया है शूट जो आप लोगों को मैं दिखा सकती हूँ। और अब मैं वापस जा रही हूँ अपने घर। उसके बाद फिर मैंने वहाँ से ही कुछ गोलगप्पे पैक भी करवा लिए हैं ताकि मैं डिनर कर सकूँ अपना। तो अब मैं आपको मिलती हूँ अपने डिनर के टाइम। बाय गाइज़, अब रात के 11 बज गए हैं। मुझे थोड़ी देर हो गई है, मैं वीडियो एडिट कर रही थी इसके वजह से। और तो अब मेरा टाइम हो चुका है डिनर करने का, तो चलिए अब मैं डिनर करने वाली हूँ। और आप सबको तो पता ही है मेरा डिनर क्या होगा। मेरा डिनर होने वाला है फिर से पानी पूरी। और आपको लग रहा होगा मैं इतनी खुश कैसे हूँ दिन भर पानी पूरी खा के, तो वो क्या है ना, पानी पूरी मेरी फेवरेट है। वैसे मैं थोड़ी सी बोर तो हो चुकी हूँ इसे खा के, क्योंकि अब उतना मन नहीं कर रहा है। अब मुझे मन कर रहा है कि मैं प्रॉपर एक हैवी सा खाना खाऊँ, मगर मैं वो कर नहीं सकती। सो गाइज़ ये देखिए, और यहाँ पे मैंने 4 दही पूरी ली है और 4 पानी पूरी। ठीक है, अब मैं इसे खा लेती हूँ। गाइज़ अब मेरा चैलेंज कंप्लीट हो चुका है और मैंने ये चैलेंज बहुत ही अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लिया और मैंने इसे बहुत इन्जॉय भी किया है। अब मुझे आप बताओ कि आपने इस चैलेंज को इन्जॉय किया है या नहीं किया है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसे शेयर करिए अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ और कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको ये कैसा लगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक मैं आपसे मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। बाय।